मुंबई 7:39 in the morning और हम जा रहे हैं मुंबई। हर्षा मुंबई क्यों जा रहे हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे मुंबई तेरे को एक्ट्रेस बनाने के लिए के जा रहा हूँ मैं तेरे को मुंबई। मैं हीरोइन हूँ। और हम गाड़ी में क्यों जा रहे हैं? हम रोड ट्रिप कर रहे हैं। अरे नहीं यार, पार्किंग करेंगे एयरपोर्ट पे। पार्किंग पहली बार लाइफ में हम अपनी कार एयरपोर्ट पे पार्क करने वाले हैं। मैंने आज तक एयरपोर्ट की पार्किंग भी नहीं देखी। चलो आज इसी लगे हाथ देख लेंगे। वैसे मैं आ रही हूँ मुंबई, आई एम कमिंग। जरा हट के जरा बच के यह बॉम्बे मेरी जान। मुंबई तो लैंड कर गए हैं पर बंदे कितने मिले हैं। तो फाइनली गाइस 2 घंटे की जर्नी के बाद हम आ गए हैं मुंबई और मैं बनने वाली हूँ हीरोइन। कैसे बनने वाली है थोड़े टाइम में बताती हूँ। बट अभी देखो हर्ष इसने खाना खाना भी शुरू कर दिया है। बाय द वे हम रुके हुए हैं हायत होटल में और रूम काफी अच्छा है, काफी क्यूट है, कोजी है। खा यार खा, बहुत मजा आ रहा है ना तेरे को। आ जा यार तू भी खाना। हाँ हाँ मैं खा लूंगी। हर्ष तू अपना पेट भर ले नन्ने मुन्ने। अच्छा एक बात बताना, मैं हीरोइन कैसे बनूंगी? मूवी तो रिवील कर दे। 15 मिनट में नाम बता दे मूवी का। नहीं नहीं 15 मिनट में। अभी आपको मूवी का नाम बताते हैं और मेरा एक्टर भी, ये थोड़ी है। तो भोज में यहाँ पे हम खाने वाले हैं दाल मखनी, पनीर, पापड़म, प्याज एंड चपाती। आजा जल्दी आजा, टाइम मत लगा। 2 hours later यू नो ऑल सेट। तो बेसिकली हम लोग गाइस आए हुए हैं मुंबई, कोई मूवी की स्टार वार नहीं बनने वाली मैं। आज बेसिकली हम आए हुए हैं एक इवेंट पे मुंबई में। एक कंपनी ने हमें बुलाया था, यहाँ पे पैनल डिस्कशन होगी। भाई पैनल डिस्कशन में पैनलिस्ट की तरह बैठना है और एक टॉपिक है डिजिटल डेमोक्रेसी, उस पर बात करनी है। हर्ष तुझे पता है डिजिटल डेमोक्रेसी क्या होती है? यार तूने इतने साल बाद मैंने पेपर से छुटकारा पाया था, तूने फिर से वही सब कुछ करवा दिया मेरे साथ। पैनल में स्पेशली नाम लिखवाया मेरा। मैंने कहा था तू बैठ, मुझे क्यों बिठाया? मैंने इसका नाम लिखवाया, इसने मेरा लिखवा दिया। बहुत बुरा है, घबराहट हो रही है, तेरे वाला हाल हो रहा है, मेरे को भी उल्टी आ रही है। मेरा वही हाल होने वाला है। वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। प्रेरणा एक्साइटेड? हाँ वेरी एक्साइटेड लग रहा है। So, अभी हमारा पैनल डिस्कशन हो गया और इवेंट भी ऑलमोस्ट ओवर हो गया। सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हैं। अभी हर्ष और मैंने साथ में जंप किया, ट्रेनर ने जंप किया और ट्रैम्पोलिन टूटने वाला था ना, क्योंकि इसने मेरे साथ जंप किया ना। अच्छा अभी हम क्या करने वाले हैं, क्या प्लान है आफ्टर डिनर? चलते हैं मुंबई घूमना। खाना तो खा लेते हैं पहले, मुंबई दर्शन नहीं करने? ठीक है आफ्टर डिनर मुंबई दर्शन करते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ है फूडी वी। कौन सा चैलेंज करके खिलाने वाले हो? कल करना है, कल करना है। हाँ। नहीं आज कर लो ना, इतना आज कर लो, इतना खाना है, खाते हैं। चलो सारे खाते ये हैं, कह रहे मैं चलो डिनर ही कर लेते हैं। ये कह रहे मैं मुंबई आया, मैं वड़ा पाव को कंपटीशन करूंगा। वड़ा पाव कंपटीशन यार, पीछे की टेबल बैठ जाते हैं, करते हैं कंपटीशन। अरे तू रहने दे, ये खाएगी नहीं। लाइक टारगेट दे दो, अगर वो पूरा होता है चैलेंज करेंगे। चलो ठीक है फिर, अगर इस वीडियो पे 1,00,000 लाइक्स आ गए तो हम करेंगे फूडी वी के साथ चैलेंज। दो लाइक दो तो हम हराएंगे ने चैलेंज में, खुशी खुशी हारेंगे हम। ये हार जाएंगे, ये पक्का हार जाएंगे। आई कैन बेट दैट। कमेंट सेक्शन में एक बार लिख देना वैसे जीतेगा कौन। वो यार इस लड़की से ना रहा नहीं जाता, चुपके से रूम में आ गई देखने के लिए क्या गिफ्ट मिला है। जेली स्मैक पैनलिस्ट। ओके हमारी फोटोज भी है यार यहाँ पे हर्ष, देख कितनी अच्छी आई है। अरे वाह, ये इंस्टेंट अभी खिंचवाई और अभी मिल गई, कितनी अच्छी। ये ट्रैम्पोलिन जहाँ ये जंप करेगा धड़ुम से गिर गई थी। और ये देखो ये मेरी, हर्ष ने गिरा दिया था मुझे। मेरी सबसे अच्छी बैग के अंदर ये जेली स्मैक एक बॉटल है बस। यार दो नीचे ना, हम दो बंदे थे। हाँ तो दूसरे बैग में दूसरी है, तेरे को दोनों बॉटल ले ले तू भाई, दो से पी ले पानी। मतलब तेरे से रहा नहीं गया ना, थोड़ी देर रुक जाती बॉटल की तेरे को वो लग रही है और मेरे को बोल रहा है चल चुपचाप खाना खाने चलते हैं। हम लोग बस सामान रखने थे और कैमरा रखने थे क्योंकि अभी हमें खाना खाना और बहुत सारा खाना है। चलो लेट्स गो एंड ईट और फिर मुंबई दर्शन। गाइस इवेंट हो चुका है और अब मैं और मेरी स्क्वाड जा रही है घोस्ट हंटिंग करने। घोस्ट हंटिंग इन मुंबई गाइस, कहाँ जाएंगे हम? ये जबरदस्ती ले जा रही है, हम जाना नहीं चाह रहे यार। तुम्हें पता है कहाँ पे मिलते हैं भूत? हाँ, बीच कहाँ में, अभी चल रहे हैं ना। सीरियसली मिलेंगे? हॉरर बीच है यहाँ पे। और विनीत हमारा वेट कर रहा है नीचे, वही विनीत जिसने हमारा गाना बनाया था तेरा इश्क। अगर वो गाना अभी तक नहीं सुना सुन लो, फ्री शाउट आउट। चलो फिर घोस्ट ढूंढने चलते हैं गाइस, लेट्स गो। बीच पे मिलेंगे, यहाँ भी वैसे भूतिया वाइब है। ये आ गए मिस्टर विनीत। हेलो, हम हॉरर व्लॉग बना रहे हैं। विनीत हॉरर जगह लेके चलोगे? यहाँ नहीं मिलती हॉरर जगह, मिलेगी।
तो विनीत फाइनली हमें भूतिया हाउस दिखाने जा रहा है। मैं आप लोगों को सीलिंग दिखाने जा रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि हम हॉरर क्रिएटर्स हैं, हमें हॉरर चीजें देखने का शौक है। अरे मुंबई में नहीं मिलता हॉरर। यार ये चीटिंग है, तुम दिल्ली आए, हमने तुम्हें दिल्ली की सही चीजें दिखाई, अभी हम तुम्हें कह रहे हैं कि हमें मुंबई की बढ़िया जगह दिखाओ हॉरर वाली। गाइस ये लोग बहुत डर रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा ब्रेव हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रही हूँ कि चलो लेके चलो हमें मुंबई के भूतिया स्पॉट दिखा दो, दिखाने ही नहीं चाह रहे, बट मैं ढूंढ लूंगी कहीं ना कहीं, आज तो भूत ढूंढ के ही रहेंगे हम मुंबई में। अगर जाओ ना 24 घंटे स्पेंड 24 आवर्स इन भानगढ़। कौन कौन चाहता है हम भानगढ़ में रुके फॉर 24 आवर्स, डू टेल मी इन द कमेंट्स। रुकने नहीं देगा भानगढ़ के। अरे प्रेरणा पता ना यूट्यूबर आजकल बहुत जेल जा रहे हैं, फिर अगले अगले हम होंगे पता है तेरी कट कर देना, कट कर देना, कट कर देना प्लीज। यार ऑन अ सीरियस नोट मुझे ना मुंबई बहुत अच्छा लग रहा है, ये सीलिंग वाला तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। चलो फिर सीलिंग देख ही लेते हैं यार कैसा पास है। तेरा इश्क ऑडियो किधर है यार, तेरा इश्क चलाओ भाई। आपको नींद आ रही इसलिए घर ले जा रहा हूँ उसके बाद। अरे नहीं नहीं हमें नींद नहीं आ रही है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कौन सा घर है? अरे बता दो ना, यो आगे उसका पूरा बंगलो बिल्डिंग वो। हाँ हाँ हाँ। वो किसका है? आई थिंक मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था ऐसा कुछ। मुकेश अंबानी ने अपनी बेटी को कितने का है? 600 करोड़। क्या उसकी बेटी की शादी होगी? क्या हो गई क्या उसकी बेटी की शादी? कब की हो गई यार? ये वाला देख यार, पूजा यार देखना भाई, आके खुली रह जाएगी भाई। पर 600 करोड़ का क्या लगाया तो अंदर से ये पूरा घर है। पर अंदर क्या लगाया उन्होंने? मार्बल संगे मरमर का बनाया क्या? ये घर है पूरा पूरा पूरा। ये तो होटल और वो भी है, मतलब पूरे वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एरियाज मुंबई का। वाओ मैन। वो रहती भी है यहाँ पे कभी? और तो होगी अब रहती नहीं है तो फिर तो वेस्ट कर रही है, हम जैसों को दे दे यार। वीडियो बना लेंगे। इसमें तो पूरा म्यूजिक वीडियो शूट होता है यार। सही है। तो हमें भूत तो नहीं मिला, पर यहाँ पे ना शाहरुख खान के घर पे आ गए हम। अभी मन्नत के सामने मैं खड़ी हूँ और शाहरुख खान दोस्त हमारा वेट कर रहा है। एक्चुअली शाहरुख खान हमारा वेट कर रहा है। अच्छा नेक्स्ट गेट है ये, मुझे पता नहीं था एक्चुअली ना शाहरुख खान के घर का गेट। आ गई मैं मन्नत। यार हर्ष मुझे अंदर, मैं झांक के देख रही हूँ तो शाहरुख खान का गेट कीपर दिख रहा है। हेलो करे। वो भैया बाहर बैठे हो रहे। भैया दोस्त हमें बुलाया था। मारेंगे तुझे पता है अभी। शाहरुख खान भैया ने हमें बुलाया था यार, तो हमें बात ही नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब तुम्हें मिलना है शाहरुख खान से या नहीं? मिलना है। चले चल बेल मार, मैं बात करता हूँ पहले। बड़े लोगों के घर बेल नहीं होती यार। यार वो भी सो रहा है, चलते हैं कल मिलने आएंगे। चला चल ठीक है यार। एक्चुअल में सारे लोग वेट कर रहे हैं शाहरुख खान का। अभी तो सर हमें हेलो करके गए हैं। नहीं आएंगे, घर जाओ। अरे घर जाओ भाई। हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? प्राची। नाइस टू मीट यू प्राची। नाइस टू मीट यू टू। अरे यार वो बंदा आपके स्टेयर्स वाला देखा कितना गलत किया था मेरे साथ, बहुत गलत। तो यहाँ पे सारे जो भी हमें मिले हैं ना शाहरुख खान जी के घर के बाहर, इन सब ने स्टेयर्स वाली वीडियो देखी है और मेरे पे हुआ अत्याचार भी देखा। मजाक था वो, मजाक। मैंने रिवेंज ले लिया है, अगली वीडियो में पता लग जाएगा। बाय द वे शाहरुख खान जी अभी तो हमें हाई करके गए हैं, अभी नहीं आने वाले दोबारा जी। सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बॉन्डर्स अब। चल इनको शाहरुख खान नहीं मिला, शाहरुख खान लाइट मिल गए हैं। शाहरुख खान लाइट मिला, ये हर शाहरुख खान लाइट प्लीज सर। The next morning. सो गाइस बहुत ही शॉर्ट ट्रिप था मुंबई का, एक इवेंट अटेंड करने के लिए आए थे, रात को मन्नत देखा, एंजॉय किया। अभी मुंबई तो दोबारा वापस आना बनता ही बनता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इतनी सारी जगहें हैं जो अभी तक देखी नहीं, और रात को ही देखा है मुंबई, दिन में देखा ही नहीं, गाड़ी में ही घूम घूम के देख लिया हमने। अभी अगली बार आएंगे तो पैदल देखेंगे पक्का। बहुत ही मज़ा आया इस ट्रिप पे, तो वापस जा रहे हैं एयर। सही में यार क्या ब्रांड्स हैं यहाँ पे तो। अरे कोई शॉपिंग वाला चैलेंज करवा दे यार। अच्छा शॉपिंग चैलेंज करना है तेरे को? हाँ सच्ची कह रहा हूँ।
चल ठीक है, अगली बार तेरे को कराएंगे ब्लाइंड फोल्ड शॉपिंग। वापस आ गए हैं फ्लाइट से उतर के अपनी गाड़ी में। हर्ष के जूतों का स्टाइल बड़ा पसंद आया मुझे, ये जूते लिए इसने ज़ारा से कटे पड़े हैं पैर इसके, तो भाई अब यही करना पड़ेगा। पर अपने दिखाना सामान, ये सारा सामान ही निकाल के गई थी, अब लगा ले बैठ के यहाँ पे। हाँ तो प्लेन में अलाउड नहीं होता ना चेक इन करना। तो बस अभी हम पार्किंग से एग्जिट कर रहे हैं। आज तो भाई फ्लाइट जो लैंड करी है ना, डर गई थी मैं, दहल रही थी फ्लाइट ऐसे धक 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 धक, बहुत ज्यादा थक चुके हैं। काफी शॉर्ट और इंटरेस्टिंग ट्रिप था हमारा मुंबई का। अभी घर जाते हैं, पहुँचते हैं और लेटते हैं यार अपने प्यारे बेड पे। ऐसे इतने हेक्टिक ट्रिप के बाद बेड पे लेटने का मजा ही कुछ और होता है।